सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ आज, दिस इज़ स्पेशली फॉर GSP स्टूडेंट्स जो कि लॉकडाउन में घर पे बंद हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन्हें कोचिंग मतलब अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको अच्छे से यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए, ये सेम एज इट इज़ बोर्ड पर लिख करके बनाया गया है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सेम एज इट इज़। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि भाई चीज़ें हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी। मैंने एज इट इज़ मतलब अच्छे से वन बाय वन रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अच्छे से रूल्स को यहाँ कंपाइल किया हुआ है, तो हम देखते हैं इसके अंदर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट का जो वर्ब से एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट मतलब समझौता, समझौता मतलब टाई अप, आपको पता ही होगा टाई अप को ही हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट का जो वर्ब से अग्रीमेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अब जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले हम अगर गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी वेंट, थर्ड फॉर्म गोइंग, फोर्थ फॉर्म, ओ सॉरी, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज़। तो अब यहाँ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब हमारा क्या चेंज होने लगी, वर्ब। अब वर्ब को आप एक नाम और बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, हैज़, हैव, हैड, ऐसे। टोटल आपकी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है इंग्लिश के अंदर, 24। तो इन 24 वर्ब से ही रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए, तो यही है सिंपल सा इसका फंडा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे रिलेटेड टू वर्ब्स, लेकिन ये वर्ब बिल्कुल अलग है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको फोकस रखना है थोड़ा सा। अभी कैसे हैं मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ, इधर देखिए। तो यहाँ पे एरर्स एट ग्लैंस, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि मतलब एक झलक आपको एरर्स की दिखा दी जाए कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इधर देखिए, पहला क्वेश्चन अगर मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, रमेश टॉक्स एज इफ ही डैश माई डैड, पहला ऑप्शन है आपका वॉज लगना चाहिए, सेकेंड वर इज या वुड, तो इनमें से आपको चूज करना है। ऐसी स्लो एंड स्टेडी, सेकेंड क्वेश्चन, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस विन्स आता है, या विन वॉन आता है, या विन आता है, या हैज़ वॉन, इनमें से, है ना, क्लियर चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। ऐसी है थर्ड, माई अंकल एंड गार्जियन आर हेयर टू टॉक टू द अथॉरिटी, और इनमें है ये देखिए स्लैशेज है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा और लास्ट इज नो एरर, की कोई गलती नहीं है। देन यू हैव टू फाइंड मतलब कोई एरर अगर किसी सेंटेंस में है तो आपको बताना है। आप इधर देखिए, तो ऐसे ही करते करते हमने 9 क्वेश्चंस वी हैव हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमेश टॉक्स एज इफ ही डैश माई डैड। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक है, ये ज़रूरी नहीं है आपके डैश में ही आएंगे, फिलेट्स फॉर्म में या आपके एरर फॉर्म में भी आ सकते हैं, एरर्स ये रे, जैसे कि हमने स्लैशेस दिए हुए हैं, या आपका आ सकता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के थ्रू भी आ सकता है। तो द बेसिकली मतलब फंडा आपका यही है कि आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ग्रामर का कौन सा रूल गलत हो रहा है, चीज़ें कहाँ पे क्या सही करने की ज़रूरत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, रमेश टॉक्स एज इफ, अगर ही के साथ आपने बोला वॉज, ही के साथ वॉज, तो आप हो गए गलत, कि यहाँ आना चाहिए वॉज, ही वॉज माई डैड, गलत। अगर आप बोल रहे हैं ही इज़ माई डैड, तब भी आप हो गए गलत, ये बताता हूँ क्यों, और वुड बोल रहे हैं तो तभी भी आप हो गए आप गलत, तो आंसर शुड बी वर, क्योंकि जब कभी भी एज इफ मतलब होता है मानो, मानो या जैसे कि, मानो या जैसे कि, क्लियर, मानो या जैसे कि, तो इधर देखिए, जब कभी भी एज इफ का यूज़ होता है तो हम क्या लगाते हैं, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ हमेशा आपको वर लगाना होता है। आई नो कि आपको ये थोड़ा अकवर्ड लग रहा है कि भाई ही के साथ वर कैसे आ सकता है, शी के साथ वर कैसे आ सकता है, आई के साथ वर कैसे आ सकता है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में रूल पढ़ाने वाला हूँ। स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विन्स द रेस, या विन वॉन द रेस, या विन द रेस, क्या आंसर होना चाहिए।
देखिए आंसर शुड बी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये आपका सही आंसर होना चाहिए अगर आपने इसे चूज किया था। देखिए थोड़ा ऑनेस्टली आप क्या किया करिए, जब कभी भी मैं एरर के क्वेश्चन आपको देता हूँ तो आपका मेन मोटिव बस सिंपल सही होना चाहिए कि भाई आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, क्लियर। बाकी बाद में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि भाई क्या आंसर होने वाला है, तो आप अपने आप को भी थोड़ा जज करते रहा करें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, माई अंकल एंड गार्जियन आर हेयर टू टॉक टू द अथॉरिटी। अगर आपने बोला इसके अंदर तो कोई गलती नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि आर की जगह एज आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, एज। अभी क्यों है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। बस मैं थोड़े आपको ये बता रहा हूँ कि एरर से क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछे जाते हैं, बस आप थोड़ी देर बने रहिए, फिर हम एक एक रूल को अच्छे से सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर वी हैव माई अंकल एंड गार्ज, सॉरी ये हो गया, नीड शी टू गो फॉर टॉक टेकिंग क्लास, और फिर है नो एरर। फिर आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ गलती तो है नहीं, लेकिन यू कैन नॉट यूज़ नीड शी गो आएगा, टू का यूज़ फिर से नहीं होगा, क्यों है अभी मैं बताऊँगा। अब देखिए ही फाइव में फिफ्थ में ही एज वेल एज आई एम विजिटिंग लंडन, देखिए जब कभी भी यहाँ आई आ रहा है तो आई के साथ एम नहीं आएगा, यहाँ आएगा इज़, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग इज़ आना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, ही एज वेल एज आई इज़। हाँ जी शायद थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, अटपटा सा सेंटेंस, लेकिन इज़ एकदम सही है, क्यों है ये अभी मैं बताऊंगा। अब मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको ही आंसर देने हैं, है ना। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना मीन्स टेल यू एवरी एक्सप्लेनेशन, है ना, हर मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं पहले रूल की तरफ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पहला रूल यहाँ पे जो मैंने आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाया हुआ है, इधर ये देखिए रूल नंबर वन, रूल नंबर वन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है रूल नंबर वन के अंदर कि आपको कभी भी ये सभी वर्ड्स मिल जाए, कभी भी ये सारे वर्ड्स मिल जाए, कभी भी, क्लियर, आपको कभी ये सारे वर्ड्स मिल जाए किसी सेंटेंस में, विद अलॉन्ग विद मतलब साथ, अलॉन्ग विद मतलब साथ, एज वेल एज साथ, इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त, ये एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट और इन एडिशन दोनों सेम है, बट मतलब ये तीनों सेम ही वर्ड है, बिसाइड्स मतलब के अलावा, लाइक अनलाइक और एंड नॉट। अब देखिए जब कभी भी आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड मिलते हैं तो आपको करना क्या है, देखिए जब कभी आपको ये सेंटेंस मिलते हैं तो होगा क्या, एक तो नाउन, एक नाउन पहले दिया होगा और फिर ये वर्ड्स दिए होंगे आपको, क्या दिए होंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी एक लिस्ट, मतलब इनमें से कोई भी दे दिया गया होगा, देखो अच्छे से समझना है, यहाँ से लिख नहीं पाते अच्छे से, फिर नाउन टू होगा, ठीक है। अब देखिए नाउ एक सेंटेंस में दो नाउन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, नाउन वन होगा और फिर वो किससे जुड़ रहा होगा, इनमें से कोई वर्ड्स, मतलब इनमें से कोई वर्ड आ रहा होगा, फिर नाउन टू आ रहा होगा। अब इसके अंदर रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि अब आपको जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन के होनी चाहिए, ये या आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना, जो बीच में ये वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नाउन वन के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, ना कि नाउन टू। अब ये क्यों हो रहा है अभी दिखाता हूँ मैं, इधर देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए पहला हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, जस्ट वेट, रश्मि एज वेल एज हर फ्रेंड। तो भाई ये एज वेल एज मतलब यहाँ से एक वर्ड आ गया एज वेल एज, और ये है एन वन नाउन वन, और ये क्या है नाउन टू, क्लियर। अब मैंने बताया जब कभी ये वर्ड्स बीच में से जुड़ जाते हैं तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये देखिए आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, इसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। तो रश्मि के साथ आप क्या आर लगाएंगे, नहीं, रश्मि इज, तो आंसर शुड बी इज। तो अगर रश्मि एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, मतलब भाई मेन जो है रश्मि को इन्वाइट किया गया है, उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स को, लेकिन मेन कौन थी, इनवाइटी रश्मि, याद रखना है ना, वो तो उनके साथ में उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दिए गए, इसलिए इम्फेसाइज किसे किया जाता है, रश्मि को, ना कि उसके फ्रेंड्स को। तो इसलिए आप रश्मि के हिसाब से तो इजी आएगा ना कि यार, क्योंकि रश्मि इज़ अ गर्ल, और इसके लिए हम शी भी लगा सकते हैं, शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे सेकेंड क्वेश्चन, आई एज वेल एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एज वेल एज फिर से जुड़ा एज वेल एज से, और ये है नाउन वन, ये है नाउन टू, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स के साथ एम सही है, नहीं, लेकिन हाँ आई के साथ एम सही है, एकदम देखो ना, आई के साथ एम ही तो आता है, आई एम,
तो देखिए, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू मनाली, एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये गलत लग सकता है, लेकिन ये गलत सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद, देखिए अलॉन्ग आ गया, अलॉन्ग विद। अच्छा, यहाँ मैंने अलॉन्ग विद नहीं लिखा है, नहीं नहीं लिखा है, ये रहा ना अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कंट्रीज के साथ तो हैव ही आता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हैव नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक नाउन इंडिया है, दूसरा नाउन उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, तो नाउन वन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग में बोला, तो इंडिया के साथ हैव तो नहीं आता, क्या आता है, हैज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैज रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माई मदर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड मतलब को छोड़कर, एक्सेप्ट की जगह आप लगा सकते हैं बट, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। माई मदर बट आई, अब यहाँ पहला नाउन ये रहा, दूसरा नाउन ये रहा, तो अभी मैंने बताया जब इनसे कोई भी सेंटेंस जुड़ता है तो आपको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या लगाना होता है, हेल्पिंग। तो माई मदर एक्सेप्ट आई इज सर्विंग, तो भाई माई मदर के साथ इज लगता है ना, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपकी गलती दी होगी, नहीं, कुछ एरर पार्ट भी होते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो ये था आपका रूल नंबर वन, आई थिंक आपको चाहिए समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, बस इन वर्ड्स को याद करना है, लर्न करना है, कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आपको याद रखना है। अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई मैं यहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊँ, इतना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि चीज़ें आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ना कि क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर टू, दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फिगर्स। अब ये मैथमेटिकल फिगर क्या है, लेट्स सी व्हाट दिस इज मैथमेटिकल फिगर्स। इधर देखिए, मैथमेटिकल फिगर्स हमारा ये टाइप टू है, मैथमेटिकल फिगर्स, आपको पता है मैथमेटिक्स की कुछ फिगर होती है, जैसे यहाँ लिखा है 5 and 5 is 10 या 5 and 5 are 10। अब आपको यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये आपको कौन सा लगता है, सोचिए थोड़ा सा और बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, कि 5 और 5 10 होते हैं, तो 5 and 5 is 10 या 5 and 5 are 10। तो जाहिर है कुछ लोगों को फर्स्ट सही लग रहा होगा, कुछ लोगों को सेकंड सही लग रहा होगा, है ना, कुछ को लग रहा होगा सेकंड गलत है, कुछ को लग रहा होगा पहला गलत है, सेकंड सही है, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के आपके आंसर्स आ रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ। अब इधर देखिए, यहाँ पे रूल समझना है, रूल ये है कि जब कभी भी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, देखो इधर 6 + 6, इधर है 2 and 2, है ना, यहाँ है 10 divided by 2, देखिए मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, तो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बस। तो जब कभी भी मैथमेटिकल फिगर आए तो याद रखना, और मतलब नाउन वन आ रही हो मैथमेटिकल फिगर में, और वो किससे जुड़ रहे हो, एंड से जुड़ रहे हो, और नाउन टू लिखा हो उसके जस्ट तुरंत बाद, मतलब यहाँ सेम नाउन, एस मैं लिख रहा हूँ सेम नाउन मतलब 2 and 2, 5 and 5, 10 and 10 ऐसा कुछ लिखा हो, तो आपको क्या करना है, उस सेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल, है ना, सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज हैं कि भाई इज़ होनी चाहिए। अगर मेरा आंसर इज़ सही होता तो वो किस पर्सपेक्टिव से होता, मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ। इधर देखिए, अगर आप बोलते कि पहला आंसर सही है तो वो कब होता, ये भी देखो आप, अगर पहला आंसर सही है वो कब होता, देखिए 5 and 5 को अगर मैं एक यूनिट मान लूँ कि 5 और 5 10 होते हैं, मतलब दो नाउन ही, नाउन एक ही है, एक ही नाउन है, ये दो नाउन नहीं है, एक ही नाउन है। अब अगर यहाँ मैं मानूँ 5 and 5, एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, अलग अलग करके मानूँ, तो भैया आपको पता है दो नाउन होगा ना, एक नाउन ये, एक नाउन ये, उसके साथ आर तो सही होना चाहिए। और अगर इस पूरे को मैं एक नाउन मान रहा हूँ तो इज़ एकदम सही है, तो कुछ गड़बड़ नहीं। तो यहाँ पे हाँ, बस यही है कि यहाँ पे दोनों आंसर सही होते हैं, इसका मतलब कि कभी भी या तो आप उसमें सिंगुलर नाउन लगा सकते हैं या प्लूरल, दोनों है, सॉरी, आप या तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों का यूज़ कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ गलती नहीं है। लेकिन चीज़ें मैं बता दूँ आपको, देखिए इंग्लिश आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इंग्लिश दो टाइप से पढ़ी जाती है, एक होती है ओल्ड और एक न्यू वर्जन, है ना, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन, मतलब ओल्ड पहले जो हम बोलते थे और अब बोलते हैं, तो आपको पता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है आजकल, तो सेंटेंसेस भी ऐसे कुछ बन चुके हैं ना बहुत सारे। तो इधर देखिए, अब आपको करना क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि इज वाला सही है, ये गलत नहीं है, ये ओल्ड पैटर्न है, ये गलत नहीं है इंग्लिश में, लेकिन ये ओल्ड पैटर्न है और ये है न्यू पैटर्न। तो ऑब्वियसली आप सभी इतने समझदार हैं
कि ओल्ड पैटर्न तो कोई यूज़ करना ही नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली आप न्यू पैटर्न को अपनाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो आपको करना है, 5 एंड 5 को एक यूनिट मानना है, उसके अकॉर्डिंग इज़ लगाओ, वॉज लगाओ, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म्स हैज़ लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन सेंटेंस ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड है, गलत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 + 6 डज नॉट बिकम 10। तो 6 और 6 डज नॉट कब आता है, जब भाई एक यूनिट की बात की गई हो, तो इसको एक यूनिट बनाया गया सेंटेंस है ये, डज नॉट। 2 and 2 are 4, 2 and 2 is 4, दोनों सही, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इज लगाना है। 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 5, लेकिन यहाँ लिख है ना, टू गिव्स 5 या गिव 5, दोनों सही है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहला ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, गिव्स, इसका मतलब आपको इन सभी के साथ सिंगुलर फॉर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है रेदर देन प्लूरल फॉर्म। क्ले आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका दूसरा रूल। थर्ड रूल पे चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी। देखिए रूल नंबर थर्ड, ICS रूल, इसे बोलते हैं ICS रूल। अब ये ICS रूल क्या है, ज़रा ये देखते हैं। देखिए आप मैथमेटिक्स लिखते हैं, पीछे ICS आता है, फिजिक्स लिखते हैं ICS आता है, इकोनॉमिक्स लिखते हैं ICS आता है, स्टैटिस्टिक्स में आता है, पॉलिटिक्स में। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके पीछे ICS आता है, तो इसलिए इसे ICS रूल कहते हैं। पहला क्वेश्चन, माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी पुअर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस सेंटेंस को करेंगे सही, लेकिन ये सेंटेंस है गलत। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। जब कभी भी ICS का रूल आ जाए, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ जाए और उसके साथ आपको ये सारे वर्ड मिल जाए, उससे पहले माए, ठीक है, योर, सॉरी जस्ट वेट फॉर वाइल, और थोड़ी नॉइस पोल्यूशन हो सकती है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब हम हर किसी को तो रोक नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कुछ है ना हार्श साउंड आ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बियर करो, क्योंकि अब हम हर किसी को मना नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट आवर इंस्टीट्यूट, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये कुछ बाहर से साउंड आ रहा है। चलिए अब हम रूल पढ़ रहे थे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इससे पहले कभी भी माय आ जाए, योर आ जाए, हर आ जाए, हिम आ जाए, है ना, ये सब इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो आपको याद रखना है, इनके साथ कभी भी ये वर्ड जोड़ रहे हो तो आगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इट शुड बी प्लूरल। क्या आनी चाहिए इसके साथ, प्लूरल फॉर्म आएगी हमेशा, याद रखना है आपको। क्या आएगी हमेशा, प्लूरल फॉर्म आपको लगाना है। अब इधर देखिए कैसे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। जैसे आपने यूज़ किया, देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब के साथ पहला आया माए, मैथ देखिए मैथमेटिक्स से पहले माए जुड़ रहा नहीं। अच्छा, इसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस फॉर्म में आप इसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा। आप देखिए आया यहाँ पे समझ में, अब हमें करना क्या है। तो जब इधर मैथमेटिक्स से पहले माए आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ इज नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी आर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट आर वेरी पुअर, सॉरी फॉर दैट, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज़ वेरी डर्टी। द आ गया, अच्छा द भी एक वर्ड है, अगर द अगर आर्टिकल इसके साथ जुड़ जाता तब भी आपको यहाँ इज नहीं लगाना है, आर लगाना है। आर वेरी डर्टी, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी। अब इधर देखिए पॉलिटिक्स से पहले कोई वर्ड आ रहा है नहीं, तो तब तो सिंपली इज ही लगेगा, तब तो सिंपली इज ही लगेगा। योर फिजिक्स, आपकी फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स से पहले योर आ रहा है, तो इज गलत है, तब आना चाहिए आर। लास्ट वन, माई इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड। अब इंग्लिश से पहले क्या आ रहा है, माए, और यहाँ इज़ नहीं आ रहा चाहिए, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस सही, क्योंकि भाई इंग्लिश के पीछे ISH आ रहा है, ना कि ICS, तो ये रूल तो इसमें अप्लाई नहीं होता, ये तो वैसे ही सही हो जाएगा। क्लियर, अब ये क्यों हो रहा है, इसका थोड़ा सा मैं रीज़न आपको देना चाहूँगा। अब ये इसलिए हो रहा है, इधर देखिए जब आपने बोला है माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स आपको मैथ्स तो आती है, लेकिन उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के अंदर, तो वो सभी नहीं आते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते आपको, तो इस वे में कह रहा है कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, इसके वे में। ऐसी पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ बिहार है ना, वो बहुत ज़्यादा ही डर्टी हो चुकी है। योर फिजिक्स, आपकी जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो फिजिक मतलब पूरी फिजिक्स नहीं भाई, फिजिक्स तो सभी को तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता ही होगा, लेकिन उसके कुछ चैप्टर्स की बात की जा रही है, अंदर की बात की जाएगी, तब आप आर लगाएंगे।
चलिए, आई थिंक आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? इट को। जब कभी भी आप इट का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तब उसे बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब देखिए, सभी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहे हैं। हो रहे, इट वर यू हु कॉल्ड यू यस्टरडे। जब कभी भी आप इट लगाएं सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो चीज़ें ही काम आने वाली है। क्या क्या? सबसे पहली, इसके बाद, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसके बाद या तो इज आएगा या तो वॉज, बस। इसके अलावा और तीसरी चीज़ वर, हैव, हैज़, ये सब इनमें से कुछ भी नहीं लगाना है आपको। क्लियर? बस आपको लगाना है इट इज़ या वॉज, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी देखिए, इट वर नहीं, इट वॉज यू, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी यस्टरडे। ये तुम थे जिसने मुझे कल फ़ोन किया या मुझे बुलाया। इट वॉज यू हु कॉल्ड, सॉरी, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी आना चाहिए, इट शुड हैव बीन मी, सॉरी फॉर दैट, मी यस्टरडे, ना। इट आर वी, इट आर नहीं आएगा, मैंने बताया ना, इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए? इज या वॉज। तो आपको लगाना चाहिए इसके लिए इट इज वी। क्या लगाना चाहिए आपको? इट इज वी। अब वी के साथ आप देखिए हैज आता है, कोई नहीं, तो इधर क्या आना चाहिए? हैव, हु हैव फोन्ड यू। इट इज हिम। अब देखिए हिम भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस जैसे आए है, आए का क्या होता है? मी, है ना। ही का क्या होता है? हिम। तो आपको यहाँ पे आपको हमेशा इसके साथ, इट के साथ आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो बस इट इज हिम नहीं ही, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ठीक है एकदम। इट एम तो आएगा ही नहीं, इट इज आई, इट इज आई, हु इज भी नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ एम लगाते हैं, तो दो गलती हो गई, इज की और एम की। तो इट इज आई हु एम एडवाइजिंग यू। ओके, तो ये था इंट्रोडक्टरी का रूल। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5, सपोजिशनल या इमेजिनरी सेंटेंस। आज मैं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। इट हैज़ ओनली 10 रूल्स, ठीक है। 10 रूल्स को आपको, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देन यू कैन सी मैजिक। मैजिक मीन्स कि इधर से कभी भी क्वेश्चन आएंगे, यू विल नेवर फॉरगेट द रूल, आपको लिटरली यू रूल याद आने वाले हैं। चलिए, सपोजिशनल या इमेजिनरी, सपोज करना चीज़ों को या इमेजिन करना। तो इधर देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सपोज करना, जब कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए स्टार्टिंग में, तो आपको, और इससे पहले इफ़ आ जाए, इफ़ है ना, इफ्स के बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके बाद आपको कोई भी अगर सब्जेक्ट वहाँ रहे, आपको केवल वर लगाना है, चाहे आए आए, शी आए, ही आए, कुछ भी आए, तो वर ही लगाना है। अब देखिए कैसे, आई विश सी शी वॉज माई हीरोइन इन माई मूवी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, आई विश है ना, कि भाई वो क्या कर रहा है, एक सपोज है उसकी ना, कि काश, इसे बोलते हैं काश, काश वो मेरी मूवी में हीरोइन होती। शी के साथ ये जो भी सब्जेक्ट आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा वर आएगा, शी वर माई हीरोइन इन माई मूवी। क्योंकि ये सपोज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, रियल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें इमेजिनरी है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, जब कभी चीज़ें इमेजिनरी हो, तो वहाँ पे वर का यूज़ किया जाएगा, बस, चाहे कोई भी सब्जेक्ट दियो। रमेश टॉक्स एज इफ टू मी एज इफ, चलिए अभी मैं बताता हूँ, इफ़ आई वर, तो देखिए वर आ गया एकदम सही, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, मैंने बताया। जब कभी भी सेंटेंस इफ़ से बन रहा हो, या सपोज या इमेजिनरी वाली कंडीशन हो, देन यू हैव टू यूज़ वर विद एवरी सब्जेक्ट। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो सेंटेंस सही। अच्छा, आगे भी देख लेना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, तो सेंटेंस एकदम सही। सपोज इफ़ राधिका वर योर मदर, देखिए राधिका के साथ वर आ गया तो सही है, योर मदर, व्हाट वुड यू डू देन, तो आप क्या करते अगर राधिका आपकी मम्मी होती। तो देखिए, कभी भी सपोज और इफ़ दो एक साथ यूनिट यूज़ नहीं हो सकती, या तो आप सपोज लगाओ या इफ़ लगाओ, तो सपोज राधिका ये सही है। अब मैं बताता हूँ ये वाला रूल और ये वाला रूल, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या चीज़ें आपको सीखनी है। देखिए, जब कभी भी एज इफ़ बीच में आ रहा हो, या एज इफ़ तो आपको याद रखना है, इधर देखिए इसके साथ भी वही रूल लगने वाला, ही के साथ क्या जाएगा, ही वॉज नहीं वर। रमेश टॉक्स टू मी, रमेश मुझसे ऐसे बात, एज इफ मतलब मानो, क्या मानो, या जैसे, या जैसे। तो इधर देखिए, रमेश टॉक्स टू मी एज इफ, मानो कि वो मेरा बॉस हो, है ना।
तो ही के साथ वॉज नहीं वर आना चाहिए, अभी मैंने बताया था, क्योंकि भाई वो मान ही तो रहा है, रियल तो है नहीं। शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वॉज, नहीं शी वर माई मदर, वो उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया मानो कि वो मेरी मम्मी हो, इस टाइप से। तो आई थिंक रूल नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वट आर दीज सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड ऑप्टेटिव, देखते हैं। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं व्हेन यू ब्लेस, यू सेव समवन, यू हेल्प समवन, यू मीन्स यू वॉन्ट टू मेक अ सेंटेंस विद लिव। और जब आपको पता है मे का यूज़ करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, उन्हीं सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसके अंदर आप किसी के लिए प्रे करना चाहते हो, किसी के लिए ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी को सेव करना चाहते हो। दीज ऑल आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इधर देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, गॉड सेव्स द किंग, ये सही है या गॉड सेव द किंग? तो आपको लग रहा होगा गॉड तो सिंगुलर फॉर्म है, उसके साथ सेव्स लगना चाहिए, सही है, लेकिन ये है सेंटेंस रॉन्ग। आंसर शुड बी सेकेंड, गॉड सेव द किंग। मतलब ये नहीं बोलते काश हे भगवान, मतलब किंग की, किंग को सेव करना, मतलब उसे बचा लेना, इस टाइप से आप भगवान से कुछ विनती करते हैं। तो उस सेंटेंस में क्या होगा, अगर गॉड आ रहा है, इधर देखिए गॉड आ रहा है, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, उसके साथ एस या ई एस या आई एस जोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनेट रूल थोड़ी ना ये कि भाई गॉड किंग को सेव करते हैं, वो तो तब बनेगा जब मैं ये बोलूँगा ना सेंटेंस में कि भगवान किंग को सेव करते हैं, तब आएगा गॉड सेव्स द किंग। क्लियर? लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि भगवान किंग को बचा लेना, इस टाइप से बोल रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आएगा गॉड सेव द किंग। ऐसी मे लॉन्ग लिव्स आवर फ्रेंडशिप, मे लॉन्ग लिव्स, अब फिर से लिव्स आ गया। अब आपको पता है मे लगता है जब आप चीज़ों को मतलब कुछ मांग रहे होते हैं ना, किसी चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे होते हैं, हेल्प मांग रहे होते हैं, सेव। मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लिव्स नहीं, लिव आवर फ्रेंडशिप। मे गॉड हेल्प द पुअर, या दूसरा मे गॉड मे हेल्प द पुअर। अब आप ये बताएंगे आंसर इनमें, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मे गॉड हेल्प दी पुअर, ये सही है या आपको लग रहा है गॉड हेल्प दी पुअर, कौन सा सही होना चाहिए? अगर आप बोल रहे हैं कि पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, और इस टाइप से कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप हैं गलत। अब इधर देखिए, दोनों सेंटेंस यहाँ सही है। अब इधर देखिए, जब कभी भी आप कभी किसी को बोलते हैं ना मे गॉड हेल्प यू, है ना, मे गॉड हेल्प दी पुअर, तो ये वही सेंटेंस है। दूसरा आपने क्या ये नहीं सुना गॉड हेल्प यू या गॉड हेल्प द पुअर, तो दोनों सही है। इसका मतलब अगर मे आप ना भी लगाओ सेकेंड सेंटेंस में, तो मे क्या हो जाएगा भाई, मे हो जाएगा अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो मे अगर लगाओ ना भी लगाओ, दोनों से ही बन सकता है सेंटेंस। चलिए, माई टीचर विज्ड मी स्टे ब्लेस, तो फिर से गलती हो गई, उसने मुझे विश किया, हमारे टीचर ने, स्टे के साथ ब्लेस्ड नहीं आता है, हमेशा ब्लेस्ड क्या होगा, स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि जब कभी भी स्टे आ जाए, कभी भी आ जाए स्टे, उसके साथ आपको V3 लगानी होती है, जैसे स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। क्लियर? बहुत सारे हैं, तो आपको स्टे के साथ थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए, ना कि स्टे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये उससे थोड़ा सा रूल अलग है। चलिए, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। रूल नंबर 7 की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड पेयर वर्ड्स। अब ये पेयर वर्ड्स क्या हैं देखते हैं। पेयर वर्ड कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रू ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये जितने ही वर्ड्स हैं ना, पहली बात तो आप इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्या आप इन्हें ब्रेड को अलग नहीं खा सकते और बटर को अलग नहीं खा सकते, खा सकते हो नहीं, लेकिन आप ये मत बोलना क्यों हम चाय के साथ ब्रेड तो खा सकते हैं। तो ठीक है, जो ब्रेड है ना वो बटर के लिए ही बनी है, ये यूनिवर्सल रूल है, आप कैसे भी खाते हो, क्या आप बताना कि चाय के साथ टी के साथ बटर खा जाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये पेयर वर्ड हैं, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, है ना। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन ये वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। राइस एंड करी, क्या राइस और करी को आप सेपरेट कर लोगे? नहीं करोगे ना, जैसे राइस और करी मिक्स है ना, तो वैसे सेपरेट कर सकते हो, या आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि मैं केवल चावल चावल खाता हूँ, तो ये भी नहीं बोल सकते आप, ना आप ये बोल सकते कि भाई मैं करी करी खाता हूँ, नहीं।
तो इसका कॉम्बिनेशन, राइस का कॉम्बिनेशन करी से ही है। अगर राइस नहीं होगा तो करी नहीं होगी, करी नहीं होगा तो राइस नहीं होगी। ऐसी स्लो एंड स्टीडी आपने सुना होगा कई बार, ट्रुथ और ऑनेस्टी। जहाँ पे सत्य होगा वहाँ तो ऑनेस्टी होगी ही होगी भाई, आप खुद सोचो ना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जब आप जल्दी सोओगे तो जल्दी ही तो उठोगे, एक मुहावरा सुना होगा आपने। एज एंड एक्सपीरियंस, जब आपको आपकी एज बढ़ती है तो आपको एक्सपीरियंस भी तो आता है या नहीं? या ऐसा ही है कि बस एज बढ़े जा रही है, कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में गेन नहीं हो रहा, ऐसा होता ही नहीं है। या आप एक्सपीरियंस होते जा रहे हो, आपकी एज नहीं बढ़ रही, तो ये भी कभी नहीं होता। तो कहने का बस इतना सा मतलब है, दीज ऑल आर कॉल्ड पेयर वर्ड्स विच कैन नेवर बी सेपरेटेड। बस आपको इतना याद रखना है। अब जब इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो इसका क्या मकसद है? इधर देखिए, एक का काम दूसरे की वजह से नहीं चल सकता है। तो एक का काम दूसरे की वजह से नहीं चल सकता, इसका मतलब आप उसको वैसे ही रखो, उसको एक यूनिट ट्रीट करना है। इसका मतलब ये सब एक यूनिट है, दो नाउन नहीं है, एक ही नाउन है, एक ही नाउन है, एक ही नाउन है। आप समझ गए होगे, जब एक नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए तब बताइए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या तो एज, या तो हैज़, ठीक है, या तो हैज़ या वॉज, इनमें से कुछ भी आ सकता है ना। तो आप इतने समझदार हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है पेन एंड इंक। अच्छा ये बताओ, पेन का काम बिना इंक के है नहीं, या इंक का काम बिना पेन के है नहीं? तो पेन एंड इंक क्या हो गई? एक ही यूनिट तो हो गई भाई साहब, तो उसके साथ आर क्यों लगा रहे हो आप? इज आएगा, इज नीडेड बाय मी। राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश इन इंडिया। हाँ ये मैं समझता हूँ कि इंडिया में राइस और करी बहुत खाई जाती है, लेकिन वो साथ में ना कि अलग अलग। तो यहाँ इज आर नहीं, इज आएगा, इज अ पॉपुलर डिश इन इंडिया। ब्रेड एंड बटर, फिर से आ गया, ब्रेड के साथ बटर खाना ज़रूरी है, तो इसके साथ इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। कि भाई मैं सुबह सुबह ब्रेड एंड बटर लेना चाहता हूँ, और मतलब पसंद करता हूँ, तो इसलिए ब्रेड एंड बटर के साथ इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। तो यहाँ गलती हो गई है, स्लो एंड स्टीडी एक यूनिट है तो विन नहीं, विंस द रेस। आपने पढ़ा होगा विंस, क्यों? क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस आएगा ही आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो गो एंड जस्ट लर्न टेंसेस फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है इंग्लिश की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें 35 मिनट के करीब हो गए हैं, तो आई थिंक कि ये 40 से 50 मिनट में बन जानी चाहिए। रूल नंबर 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी थिंग इन योर लाइफ। जैसे कि मतलब आपकी लाइफ में तो नहीं, मतलब आपके सिलेबस में जितना मैथ्स है, जितना इंग्लिश है, जितना मतलब वैसे ही ये रूल भी है। अभी तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है रूल नंबर 8 को बोलते हैं 1 2 3 और 2 3 1 का रूल, यूज़ ऑफ 1 2 3 2 3 1। अब ये है क्या, जब कभी भी आप 1 2 3 का यूज़ करेंगे वो होगा बैड सेंस में, और 2 3 का यूज़ होगा 2 3 1 का गुड सेंस। अब ये है क्या, पहले आप सुनिए कि आपको पता है आई मतलब क्या होता है? जब दो आई और वी आई सॉरी फर्स्ट फर्स्ट पर्सन कौन होता है दुनिया में? आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम, जितने भी रह गए बाकी, है ना। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ बात करने वाले हैं। अभी तो देखें, जब कभी भी आपका ये रूल बैड सेंस आ जाए, मैंने बताया ऊपर, देखिए 1 2 3 बैड सेंस, 2 3 1 गुड सेंस, इसका मतलब क्या? इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेंटेंस अगर बैड सेंस में है तो 1 2 3 रूल यूज़ होगा। कौन सा? 1 2 3। अगर आपका जो सेंटेंस है गुड सेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, तो 2 3 1। इसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट्स को रखना पड़ेगा। देखिए यू कौन से सब्जेक्ट पे आता है? दूसरे पे। आई कितने बताए? एक पे। एंड ही कितने पे आता है? तीन पे। तो 213 तो कोई रूल ही नहीं बताया हमने। अब आगे पढ़ो, आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन। अच्छा आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, गलत गलत बात है? सही बात तो है। तो सही के लिए आपको 231 का रूल लगाना था या नहीं? तो 231 मतलब दो तो लगा हुआ है, तीन इधर आना चाहिए एक उधर, तभी तो 231 बनेगा। तो ही यहाँ आ जाएगा, एंड आई आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन, ये एकदम सही सीक्वेंस बनना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब बहुत सारे नाउन एक सेंटेंस में आ जाए, मीन्स थ्री नाउन्स अगर एक साथ हैं तो उनका अच्छे से यूज़ कैसे करना है। आई यू एंड शी, आई कितने पे आता है? एक पे। यू आता है दो पे, शी आता है तीन पे। 123, हैव कमिटेड अ क्राइम। कमिट क्राइम करना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, पाप है, क्राइम करना बैड सेंस है। तो बैड के लिए 123 का रूल सही होता है, अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, तो ये सेंटेंस है सही।
अब ये दो रूल का यूज कैसे, अभी मैं बताता हूँ। अभी केवल दो नाउन का, अभी तीन के बारे में बात करते हैं। ही कितने पे है? तीन पे है। आई कितने पे? एक पे है। यू कितने पे? दो पे। दो 312 का तो कोई रूल ही नहीं बताया हमने। अच्छा आगे देखो, आर गिल्टी फॉर दिस रॉन्ग डूइंग, मतलब आपने कुछ गलत काम किया है तीनों ने मिलके, तभी तो कुछ गलत हुआ है। बैड सेंस है तो बैड सेंस में 123 लगना चाहिए। तो 1 2 3, तो पहले आना चाहिए आई, दूसरे पे आना चाहिए ही एंड यू, ये एकदम सही सिक्वेंस होना चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, यू एंड माई फ्रेंड्स। चलिए ये दो सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ ये कैसे यूज होगा। नेक्स्ट, आई यू एंड ही, आई है पहले पे, यू है दो पे और ही है तीन पे। हैव अटेंडेड द सेमिनार, अच्छा सेमिनार अटेंड करना कोई गलत बात है? सही बात है। तो 1 2 3 का रूल तो यूज़ होगा नहीं, 2 3 1 का, 231 का रूल यूज़ होगा। अब आप देख लो, 231 के हिसाब से यू पहले आना चाहिए, ही बाद में, फिर एंड में आए, तो ये सिक्वेंस सही बनना चाहिएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो दो सेंटेंस आपके रह गए हैं है ना, इनके बारे में कि इनका कैसे यूज़ किया जाएगा। चलिए इधर देखते हैं। अब हम देखिए, अब आपको इन्हीं को याद रखना है, इसी को, इसी सेंस को, कि अभी तो ये तीन सब्जेक्ट एक साथ है, अब इनको दो कैसे बनाएं। तो आपको पेयर याद रखना है, इसका पेयर इसके साथ तो बन गया 12, इसका पेयर इसके साथ तो बन गया 23, और फिर इसका पेयर इसके साथ तो कितना बन गया 13। तो ये हो गया फिर से बैड सेंस में, कभी भी सेंटेंस दो दो करके आ जाए पेयर में तो आपको ये लगा देना है ऐसे, इसका पेयर इसके साथ 23, ये लिख नहीं पा रहा अच्छे से, ऐसे इसका पेयर इसके साथ 31 और इसका पेयर इसके साथ 21। क्लियर? तो ये हो गया गुड सेंस। तो बस आपको ये अच्छे से याद कर लेना अच्छे से, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है हमने खुद ही, ताकि आपको चीज़ें ये रटनी पड़े 12 23 13। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन कोई नहीं, आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं नाइट में ही वीडियो शूट कर पाता हूँ है ना, क्योंकि यहाँ वैसे ही नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा है, तो रात को ही सबसे बेस्ट टाइम मिलता है शूट करने का। चलिए बात करते हैं, आई एंड ही वॉज सिनर्स। आई कितने पे आता है? पहले पे। ही कितने पे आता है? तीन पे है ना। तब देखते हैं वॉज सिनर्स, अच्छा सिनर्स मतलब क्या होते हैं? पापी, जिसने कोई क्राइम किया हो, कोई गलत काम किया हो। तो गलत के लिए था 123 है ना, अब 123 में 12 बनता था, 23 बनता था और 31 बनता था, तो यहाँ 13, तो कहीं 13 तो इसमें बनी नहीं रहा, 12 बनता था 23, नहीं, 13 बन रहा था, सॉरी फॉर दैट, 12 भी 23 भी और 13 भी, तो ये सेंटेंस है सही है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेंटेंस था, यू, जस्ट वेट, यू एंड माई फ्रेंड्स। अच्छा यू कितने पे आता है? दो पे। माई फ्रेंड्स कितने पे आते हैं? तीन पे। माई फ्रेंड्स समझ रहे हो ना, ये नाउन है जो थर्ड पर्सन कैटेगरी में रखा जाता है। हैव रीच्ड ऑन जो भी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, गुड सेंस है, कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर पहुंचे हैं, तो उसके लिए 231 का रूल यूज़ होता है। इसका मतलब 23 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है या 21 भी, तो 23 आ तो रहा है, एकदम सही सेंटेंस है। तो वो आपको सेंटेंस इंटरचेंज करके देंगे, माई फ्रेंड्स एंड यू हैव रीच्ड ऑन टाइम, जो भी एक्स वाई जेड, तो आपको वहाँ समझ जाना है सिक्वेंस सही लगा या नहीं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देख, नाइन्थ रूल देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ मतलब रूल में क्या है, देखिए इसके अंदर दो चीज़ों का रूल आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको मोर देन दिख जाए, या आपको दिख जाए मोर देन, सॉरी मोर देन वन या मोर डैश देन वन, तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि जब कभी मोर देन वन आ जाए, तो यहाँ जो नाउन आना चाहिए वो हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर। याद रखना, यहाँ भी ये सिंगुलर, नाउन हमेशा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कॉपी में या लिख लेना है। मोर के साथ जब यहाँ प्लूरल, भाई मोर आता है तो प्लूरल जब सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल। तो बस आपको ये अच्छे से समझना है। अब ये कैसे यूज़ होगा इधर देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है मोर मिनिस्टर्स, अब मोर आ गया मिनिस्टर्स, देन वन, हैज़ नहीं हैव, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाई दोनों के साथ आपको प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। मोर देन वन सिटी, सिटी क्या है? सिंगुलर, तो सिटी के साथ हैज़ आता है, तो ये सेंटेंस हो गया सही। मोर देन वन स्कॉलर हैज़ बीन अवॉइडेड, तो ये भी सही, क्योंकि भाई इधर देखो ना, स्कॉलर आ रहा है और यहाँ बीन, ओ सॉरी हैज़ आ रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मोर देन वन, अच्छा मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एक कैंडिडेट की बात हो रही है, हैव क्यों आएगा भाई? हैज़ नहीं आना चाहिए, आप खुद सोचिए, अभी मैंने बताया रूल के अकॉर्डिंग। तो
आपको वो याद नहीं रखना है, आपको चीज़ों को समझना है बस। चलिए लास्ट रूल की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है यहाँ से। आपको पता है ईदर का पेयर वर्ड क्या होता है? और दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन, आपने कंजंक्शन पढ़े होंगे। ईदर का पेयर वर्ड और, नीदर का नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन के साथ बट। तो आई थिंक आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इतना पता ही होगा। नहीं पता है तो आप कंजंक्शन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी तो मैं केवल GSP स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नीदर माई फ्रेंड्स, तो नीदर के साथ क्या आ गया? नॉर। ये देखिए तो ये पेयर तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीदर के बाद, मतलब इन इनके बाद, इन सभी के बाद एक नाउन आएगा, नाउन वन, और फिर इन सब के बाद भी क्या आएगा? नाउन टू। दो नाउन आएंगे ना, तो याद रखना है जब कभी भी ऐसा हो रहा हो तो जो पास वाला क्या है, सब्जेक्ट नाउन, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इधर देखिए नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई, आई के साथ क्या आता है? एम। तो यहाँ आपको लगाना है एम कमिंग टू द पार्टी। बस आपको ये अच्छे से समझना है। चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार आप देखिए वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था ईदर, यहाँ लिखा हुआ ईदर यू, या तो आप या मैं, वॉज टू बी सिलेक्टेड। अच्छा, यू के साथ तो वर लगता है तो वर लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि आई आ गया बाद में भाई, इससे बाद में ये आ रहा है ना, तो इसके हिसाब से तो वॉज आना चाहिए, तो ये सही है। नन बट माई फ्रेंड्स, नन बट माई फ्रेंड्स, वॉज नहीं, वर आना चाहिए, क्योंकि माई फ्रेंड्स के साथ वर। नॉट ओनली द गर्ल्स बट ऑल्सो हर पेरेंट्स। देखिए यहाँ दो गलती दे दी मैंने, यहाँ गलत लिख दिया, नॉट ओनली द गर्ल आना चाहिए, गर्ल्स नहीं, सॉरी फॉर दैट। नॉट ओनली द गर्ल बट ऑल्सो हर पेरेंट्स आर हेयर टू हेल्प द पुअर। अब देखिए हर पेरेंट्स के साथ तो आर ही आएगा, क्योंकि दो होते हैं पेरेंट्स, पेरेंट में दो आ जाते हैं, तो आर एकदम सही है। लेकिन अगर द गर्ल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इज आना चाहिए, लेकिन इज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने बताया कि भाई जो भी नाउन है सबसे पास में, हेल्पिंग वर्ब के पास जो सबसे मतलब करीब का नाउन है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे और अच्छे से देखते हैं। मैंने क्या बोला है दोबारा सुनो, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, इनके साथ आपको वो नाउन देखना है, सॉरी वो हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि उस हेल्पिंग वर्ब के पास कौन सा नाउन आ रहा है, उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब नाउन वन और नाउन सेकंड नहीं है, वो मैंने ऊपर रफली बता दिया था आपको। दोबारा सुनो, जिस मतलब जो नाउन हेल्पिंग वर्ब के एकदम पास होगा, जैसे हमने ऊपर देखिए जो नाउन हेल्पिंग वर्ब के पास होगा, तो हमने किया था ये देखिए, ये जो नाउन है ये किसके पास है? हेल्पिंग वर्ब के ज़्यादा पास है। ये ईद, यू या आई, इनमें से कौन सा पास है हेल्पिंग वर्ब के? आई, तो आई के साथ वॉज। तो ऐसे इधर देख ले, हैव रोहित और हिज फ्रेंड, भाई रोहित है। इधर देखिए यहाँ रोहित लिखा आ गया, रोहित, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब यहाँ जब रोहित लिखा आ गया है तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे रोहित क्या है, नाउन वन, एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, नाउन टू। तो अगर हिज फ्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए तो हैव सही है, लेकिन रोहित के हिसाब से तो आपको पता हैज़ आना चाहिए। अब आंसर हैज़ होना चाहिए, है। अब मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके सबसे पास में जो भी नाउन है उसके हिसाब से तो हैज़ आएगा ना, राव, हैज़ रोहित और हिज फ्रेंड्स डन वेल, तो ये आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वैसे भी मैं ज़्यादा आज थक चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, क्योंकि पहले से बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं, PDF पूरा लिखने में, बहुत ज़्यादा बनाने में, फिर आपको चीज़ें समझाने में। तो कहने का बस मतलब यही है कि ऐसा ये पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है रेदर देन ऑफलाइन कोचिंग, है ना। ऑफलाइन में थोड़ा चीज़ें सही रहती है, लेकिन कोई नहीं, अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप, मेरा नंबर है 8287886768। किसी भी स्टूडेंट को, GSP का कोई भी स्टूडेंट हो, अपना बैच लिखना ऊपर, है ना, बैच लिखना, और बैच के साथ मतलब कौन से बैच में आप पढ़ते हैं, और उसके बाद अपना नाम लिख करके भेज देना आपकी क्या क्वेरी है। अगर टाइम मिलेगा व्हाट्सएप पे तो मैं आपको कर दूंगा, मतलब जैसे भी टाइम तो मिलेगा कभी ना कभी, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से,
क्योंकि ये क्लासेस अभी थोड़ा टाइम लगेगा लॉकडाउन खुलने में, तो आपको पता ही है लॉकडाउन जब खुलेगा खुलेगा, लेकिन अभी आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। अब आप जो भी आपके पास बुक हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक निकालो, वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूँ प्रैक्टिस सेट भी करा दूँ ना। दिस इज़ ओनली योर होमवर्क, यही केवल आपका होमवर्क होता है, और अगर वो भी हम करा देंगे तो आई थिंक दिस वॉन्ट वर्क एनी मोर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, बाय।